इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर वन इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ये पार्ट है, देखिए स्टूडेंट्स 3 × -1। देखिए पहला नंबर जो है पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं और 3 × 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है, पहला नंबर नेगेटिव और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 × 225 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारा -225। सी पार्ट में देखिए, दोनों नंबर जो है हमारे नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई में जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0, 3 × 3, 3 × 2 = 6 है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई आई 630। देखिए फ्रेंड्स डी पार्ट है, डी पार्ट में भी दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो मल्टीप्लाई में जो है माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 316 × 316। ई पार्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स ई पार्ट में -15 × 0 × -18 है। अब देखिए मल्टीप्लाई में स्टूडेंट 0 है, अब 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई 0 आती है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एफ पार्ट है, -12 × -11 × 10, पहले जो है हम -12 और -11 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 11 की जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 2 = 22 कैरी 2, 11 × 11 = 13 मल्टीप्लाई 10, अब 132 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगी स्टूडेंट्स 1320। जी पार्ट है, और देखिए स्टूडेंट्स 9 को हम ऐसे ही राइट करेंगे, -3 और -6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18 आएगा। नाइन और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 9 = 162। एच पार्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स -18 × -5 × -4, पहले जो है -18 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 18 × 5 = 90 मल्टीप्लाई -4 = ± होते हैं, 90 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 0 का 0, 9 × 4 = 36, तो आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा -360। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है मल्टीप्लाई में 4 नंबर्स हैं, पहले 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 × 12 = 12। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस है इधर माइनस है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है और 12 × 24, आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा -24। जे पार्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें ही 4 पार्ट्स है, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
फिर जो आएंगे मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 18 मल्टीप्लाई 2 1 2 18 2 36। तो जे का आंसर आया स्टूडेंट्स 36। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को वेरीफाई कीजिए, ये पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे और साथ में ही राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए 18 मल्टीप्लाई, अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का और ये माइनस का है, 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, इजिकल टू 18 7 126 होते हैं, और प्लस ये प्लस का 18 और ये माइनस का है, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 18 3 54। अब इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 18 की जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में 126 में से 54 को माइनस करेंगे, 18 4 जो होते हैं 72 इजिकल टू 6 में से 4 माइनस किए तो 2 बचे, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 बचे। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में भी 72 आया और राइट हैंड साइड में भी 72 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये पार्ट क्या हो जाता है हमारा, वेरीफाई हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। बी पार्ट है, इसी टाइप से हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले, -21 मल्टीप्लाई, अब देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट में दोनों माइनस के हैं और बीच में प्लस का साइन है, जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं और बीच में प्लस का साइन होता है तो नंबर तो ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो यहाँ दोनों को ऐड करके आएगा माइनस का 10 इजिकल टू, इस पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई, देखो दोनों नंबर जो है मल्टीप्लाई में हैं और माइनस के भी हैं, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 4 2 8 84 आया, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए दोनों नंबर ये भी मल्टीप्लाई के हैं लेकिन दोनों निगेटिव हैं, मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 6 2 12 126 आया। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों नंबर नेगेटिव के हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई में दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 21 10 2 10 इजिकल टू, और इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 4 हो गया हमारे 10 कैरी 1, 8 2 10 10 1 11 कैरी 1 और 1 1 2। तो देखिए स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 210 आई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 210 आई, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, तो ये भी बी पार्ट कैसा हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, कोई भी इंटीजर ए के लिए -1 मल्टीप्लाई ए के इक्वल क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स -1 और ए के इक्वल क्या है, तो माइनस ए और ए की जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई ए
अब माइनस एक की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम टेबल पढ़ते हैं 2 1 2 3 1 3, उसी टाइप से इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगी स्टूडेंट्स माइनस का ए, जहाँ पर जो है ए जो है इंटीजर है, वेयर ए इज एन इंटीजर। सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हूज प्रोडक्ट विद माइनस वन इज। तो फ्रेंड्स इसमें हमें इंटीजर फाइंड करना है जिसका माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर इंटीजर्स दे रखे हैं और उसकी जो है माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इंटीजर्स आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखिए इसका, -22 गिवन है हमें और -22 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी। देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 22 वन जा 22 आएंगे तो कौन सा इंटीजर्स आया 22 आया। इसी टाइप से बी पार्ट करेंगे 37 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है, 37 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 37 आया। सी पार्ट है, सी पार्ट में 0 गिवन है, 0 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी इंटीजर्स की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है 0 ही आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करके हमें जो है विभिन्न प्रोडक्ट के द्वारा कोई भी पैटर्न दिखाते हुए -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 तक शो करना है। अब कहाँ से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना है। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स दोनों का प्रोडक्ट -5 आएगा। अब देखिए अब उसके बाद -1 मल्टीप्लाई 5 के बाद जी क्या लेंगे हम 4 लेंगे और उनका दोनों का प्रोडक्ट आएगा -4। तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 5 के बाद हमने 4 लिया और इस टाइप से ये पैटर्न चलता रहेगा, लेकिन 5 के बाद 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि हम नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन यहाँ 0, राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2। अब देखो आप कि -5 से और कहाँ पहुँचना है हमें -1 पर पहुँचना है तो देखिए कहाँ से चलेंगे -5 से 4 पे चलेंगे, 4 से कहाँ चलेंगे 3 पर, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से 1 -1 तब जाके जो है हम -1 पर पहुँचेंगे। तो इस टाइप से हम पहले 5 से चलना स्टार्ट किया फिर 4 पे आए, 4 से 3, 2, 1, 0, -1, तो इसी टाइप से हम क्या लेंगे एक पैटर्न लेंगे। -1 के बाद क्या लेंगे 3 तो आएगा हमारा प्रोडक्ट -3, -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -2, -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -1, -1
मल्टीप्लाई जीरो इजिकल टू जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन इजिकल टू वन। देखिए हमें कहाँ तक शो करना था, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन इजिकल टू वन तक ही हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो ए पार्ट है, अब देखिए स्टूडेंट्स, 26 मल्टीप्लाई माइनस के 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई माइनस 36। यहाँ पर देखिए टू टर्म्स हैं, पहला टर्म्स ये है और दूसरा टर्म्स इधर है। दोनों टर्म्स में हम देखेंगे कि माइनस 48 पहले टर्म्स में भी माइनस 48 और दूसरे टर्म्स में भी माइनस 48 कॉमन है। तो इसमें से हम माइनस 48 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में अब पहले टर्म्स में क्या बचेगा, 26 बचेगा, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, और दूसरे टर्म्स में क्या बचेगा, थर्ड माइनस के 36 बचेंगे। तो यहाँ राइट कर देंगे हम माइनस 36 माइनस 48। अब देखिए माइनस 36 में से 26 माइनस कर देंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। माइनस 48 की मल्टीप्लाई माइनस 10 से करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 48 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 जा 480। तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारा 480। बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए पहले हम जो है 53 को पहले राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई माइनस 125। 53 को पहले लिख लिया और 8 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस 125 को हम राइट कर लेंगे। माइन 53 मल्टीप्लाई 8 की और माइनस 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 8 5 40 कैरी 4, 8 2 16 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 8 8 और 2 10 माइनस 1000 है। माइनस 1000 की मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो आएगा माइनस 5 3 और 3 0 ऐड कर देंगे 1 2 3। तो आंसर आया स्टूडेंट्स माइनस 53000। सी पार्ट है, सी पार्ट में स्टूडेंट्स देखें 15 मल्टीप्लाई में रखेंगे और ब्रैकेट में हम ऐड करेंगे माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 10। फिफ्टीन मल्टीप्लाई 15 4 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई माइनस 10 से करेंगे तो माइनस का 1000 आएगा। अब माइनस 1000 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 15 बन जा 15 तो माइनस 15000 आंसर आ जाएगा हमारा। डी पार्ट है स्टूडेंट्स, डी पार्ट में हम माइनस 41 मल्टीप्लाई और 102 को लिखेंगे 100 प्लस 2। माइनस 41, अब देखिए माइनस 41 की मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बीच में प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाएंगे। माइनस 41 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस 41 मल्टीप्लाई 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 4100 माइनस का 4100 माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस 2 1 2 और 2 4 8। अब देखिए सुन दोनों नंबर जो हैं माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का आएगा और दोनों नंबर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा 4182 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। ई पार्ट है, अब देखिए ई पार्ट में स्टूडेंट्स इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म में जो है देखिए 625 है और इधर भी हमारे 625 है दूसरे टर्म में भी, तो 625 जो है हम कॉमन ले लेंगे
तो ब्रेकेट में हमारा बचेगा माइनस 35। अब देखिए माइनस के यहाँ पर 625 थी, तो 625 हमने कॉमन ले लिए, लेकिन माइनस बचा, माइनस की मल्टीप्लाई 65 से कर देंगे, तो माइनस के 65 आएंगे। 625 मल्टीप्लाई, अब देखिए माइनस और माइनस माइनस ही जाएगा, दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 5 5 10 कैरी 1 6 2 9 9 1 10। अब माइनस 100 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, तो आंसर आएगा स्टूडेंट्स माइनस 625 00। एफ पार्ट है 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 50 माइनस 2, पहले जो है 7 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, फिर उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, सेवन मल्टीप्लाई 50 माइनस, बीच में माइनस का साइन है, 7 मल्टीप्लाई 2, 0 का 0 7 5 35 माइनस 7 2 14। अब इसमें से माइनस कीजिए, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ रह गया 4 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का 3 आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा 336 है। जी पार्ट है माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 29 को लिखेंगे हम माइनस 30 प्लस 1, माइनस 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो माइनस के 29 बचेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 17 की माइनस 30 से, फिर करेंगे माइनस 17 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 17 मल्टीप्लाई माइनस 30, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, माइनस 17 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 17 थीजा 51 माइनस, देखिए 17 माइनस के 17 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 17 आएंगे, और 110 में से 17 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ आ गए 10, 10 में से 0 गया तो 9, यहाँ आ गए 4। आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा, एक बार देख लेंगे आप लोग, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ रह गया 0, 1 इधर से कहीं लिया तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गए तो 9 बचे, यहाँ बचे 4, 4 में से 1 गया तो सॉरी स्टूडेंट्स 4 यहाँ 4 बचे तो 4 के 4 राइट करते हैं। एच पार्ट है, अब एच पार्ट है माइनस 57 मल्टीप्लाई माइनस 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई 1 राइट कर लेंगे इसके साथ में। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गए, मल्टीप्लाई में प्लस हो गए, तो यहाँ राइट कर लेंगे 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे इसमें टू टर्म्स है, देखिए फर्स्ट टर्म यह है और दूसरा टर्म यह है, दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं कि 57 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम, ब्रैकेट में बचेगा 19 प्लस 1, 57 मल्टीप्लाई 19 और 1 हो गए हमारे 20, 57 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 0 2 7 14 कैरी 1 2 5 10 10 1 11। आंसर आया स्टूडेंट्स हमारा 1140। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।